हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हर वर्ष की भांति इस बार भी गेहूं के खरीद सीजन की शुरुआत में इंद्री अनाज मंडी में पवित्र हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें मंडी के सभी आड़ती मुनीम ठेकेदार और लेबर के लोग मौजूद रहे। सभी ने पवित्र हवन कुंड में सफल सीजन की कामना करते हुए आहुतियां डाली। इस मौके पर सभी मंडी के आड़ती भी मौजूद रहे। गेहूं के सीजन की शुरुआत में हर बार की तरह इस बार भी मंडी में हवन यज्ञ करवाया गया। प्रशासन और मंडी आड़तियों का आपस में तालमेल और सहयोग बना रहे एवं सभी कार्य सुचारू रूप से चले, ऐसी हमारे भगवान से कामना है। उन्होंने बताया कि आज से गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। मंडी प्रधान महेंद्र त्यागी ने बताया कि गेहूं के सीजन की शुरुआत में हर वर्ष हवन यज्ञ किया जाता है। हमारी भगवान से प्रार्थना है कि यह सीजन सभी के लिए खुशहाली भरा हो। इस मौके पर सभी ने माँ के पवित्र नवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। हवन यज्ञ के पश्चात प्रसाद का वितरण भी किया गया। इंद्री से हमारे संवाददाता करण शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पाल जी के आप हर समय पर हमारी मंडी की खबरें उठाते हैं और दिखाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो हमारा एक परंपरागत प्रोग्राम है। जैसे हर साल हम गेहूं का सीजन शुरू होता है तो हवन का यज्ञ का प्रोग्राम किया जाता है। जैसे आज हमारी खरीद भी शुरू होनी है गेहूं की, और सीजन से पहले हमने हवन कराया। आज बहुत बढ़िया रहा है, देखने सारे आरती सब भाई खुश हैं और हमारे किसी काम में बाधा ना आए। परमात्मा की कृपा बने, माँ भगवती की कृपा बनी रहे और प्रशासन और सब मिलकर सारा कार्य सुचारू से चले, यही कामना के साथ हमने आज ये हवन किया है। हर साल इसी तरह से हवन किया जाता है। पिछली बार थोड़ा डिले हो गया था क्योंकि वो कुछ वजह से हो गया था, बाद में किया था, पर अब ऐसा हमारे पास जो है गेहूं से पहले हवन करते ही करते हैं। और जैसे हम नवरात्र का भी पावन दिन चल रहे हैं, कल पहला नवरात्र दूसरा नवरात्र है और माँ भगवती कृपा बनी रहे। मंडी में सभी आरती भाई, सभी मरीम भाई, सभी ठेकेदार सब सुख आनंद आनंद करे और कार्य स्वरूप से चलता रहे। मंडी में खरीद शुरू हुई, मंडी में खरीद आज शुरू होनी है। कल मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी, आज हमारी परचेज स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि माल जो था पहले एक दो दिन पहले थोड़ा नरम था, उसको अच्छी तरह सुखा लिया गया है ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए माल को, जैसे वहाँ अधिकारी को भी दिक्कत ना आए और किसान को भी दिक्कत ना आए और माल सही तरीके से उठान हो जाए, निदान हो जाए और सही से उतराई हो जाए। सबसे पहले हम आपके चैनल पंजाब केसरी का मंडी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये जो हवन चल रहा है हर साल चलता है, परंपरा से चलाया है पिछले 20-25 साल से, तो मैं भी लगातार देख रहा हूँ। ये चैत्र मास में नवरात्रे जो आते हैं उसके होता है पहले या दूसरे नवरात्रे करते हैं सीजन से पहले, ताकि मंडी में काम जो है ना सुचारू रूप से चलता रहे, किसी प्रकार की बाधा न आए। प्रसाद से मिलके जमींदार के लिए, ठेकेदारों के लिए, लेबर के लिए, आड़ती भाइयों के लिए, सबकी सुख शांति के लिए ये हवन कराया जाता है। तो सुख शांति से ठीक तरह बिके और हजारों की संख्या में लेबर लोग यहाँ पर आकर के ठहरते हैं, वो ठीक प्रकार से रहे और जो सरकार की व्यवस्था ठीक प्रकार से चले, उठान ठीक रहे, सभी आड़ती भाइयों का अच्छा कारोबार चले, सभी का सक्षम हो और सभी में सुख शांति हो, ऐसा मन में आस्था के साथ इनमें नवरात्रों में हम सारे इकट्ठे होकर के सारे भाई आरती भाई यहाँ पर यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं और भगवान से देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सारी मंडी का सारे हल्के में सब सुख शांति परमात्मा दे, ऐसा ही आज का ये हमारा कार्यक्रम था। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।